हेलो फ्रेंड्स, ठंड शुरू हो गई है और इस समय की एक बहुत ही पॉपुलर और फेवरेट सब्जी है गोभी। तो आज हम शेयर करेंगे आलू गोभी की सब्जी। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले गैस में हम एक पतीला चढ़ाएंगे और उसमें डालेंगे पानी और साथ ही हम उसमें डाल देंगे एक चम्मच नमक। अब हम पानी को थोड़ा उबलने देते हैं और जैसे ही पानी उबल जाएगा हम इस पे डालेंगे गोभी। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का गोभी लिया है और इसे थोड़े से बड़े टुकड़े में मैंने काटा है। उसके बाद हम इसमें एक एक करके सारी गोभी हम इसमें डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और देखिए गोभी में उबाल आ चुका है। अब हम फ्लेम को लो करके इसे हम स्ट्रेन कर देते हैं। गोभी को गर्म पानी में उबालने के 2 फायदे हैं। पहला ये कि अगर इसमें कीड़े हुए तो ये निकल जाएंगे और दूसरा ये थोड़ा सा कुक हो जाएगा। अब हम इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं और साइड में रख देते हैं, तब तक इसका सारा पानी निकल जाएगा। पानी साफ है इसीलिए हम इसी पानी में आलू को भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आप चाहे तो पानी को बदल भी सकते हैं, इसमें भी वही प्रोसेस दोहराना है। अब इसे भी हम स्ट्रेनर से निकाल लेंगे और साइड में रख देते हैं जब तक कि इसमें से सारा पानी निकल जाए। तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज का प्याज, 2 टमाटर, कुछ लहसुन की कलियां और अदरक और 4 से 5 हरी मिर्च। और ये धनिया पत्ता के डंडल है, इसमें जो है फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। आप एक बार सब्जी में इसे डालकर जरूर देखिएगा। और कुछ गरम मसाले जैसे इलायची, लौंग और दालचीनी, मैंने इसे काट लिया है। अब इसमें सूखे मसाले डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जितना ही जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे जो है कलर बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च तो तीखेपन के लिए हमने लिया है। मसाला भी रेडी है। अब चलते हैं गैस की तरफ। अब पैन में लेंगे हम 3 से 4 बड़े चम्मच तेल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। और जैसा ही तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे गोभी। अब हम इसमें गोभी डाल देते हैं और इसे हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छा गोल्डन कलर ना हो जाए। गोभी को ध्यान से फ्राई कीजिएगा, अगर इस पे थोड़ा भी पानी रहेगा तो पानी छिटकेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इसमें से पानी अच्छे से निकाल दें, उसके बाद ही आप इसे फ्राई कीजिएगा। इसे हम हल्के हाथों से चलाएंगे और हम मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करेंगे। गोभी में बहुत अच्छा कलर आ गया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के साइड में रख देते हैं। अब हम इसी तेल में आलू भी डाल देते हैं। आलू को भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि ये भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए आलू में भी बहुत अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसे भी निकाल देते हैं। अब हम फिर से इसी पैन में 2 से 3 चम्मच जितना हम तेल डालेंगे और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इस पे डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को थोड़ा बहुत हिला लेते हैं। जैसे ही जीरा का कलर चेंज हो जाए हम इसमें डाल देंगे 1 प्याज जिसे मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब इसे भी हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। सब्जियों को अगर अच्छा से ब्राउन करके फ्राई करें तो इसमें फ्लेवर जो है बहुत अच्छे से उभर के आता है। अब हम इसमें तैयार किया हुआ मसाले को डाल देते हैं। थोड़ा सा चला लेते हैं, नहीं तो नीचे से लगने का डर रहेगा। अब जार में जो मसाले थे उसमें हम थोड़े से पानी डाल के वो भी हम इसमें डाल देते हैं। उसके बाद हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मटर। ये मैंने लगभग 1/2 कप लिया है, ये ताज़ा मटर है इसलिए इसे हम पहले ही डाल दे रहे ताकि ये भी मसाले के साथ अच्छे से पक जाए। उसके बाद डालेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है नमक। इसके बिना तो सब्जी में स्वाद आ ही नहीं सकता। मसाले को हिलाते रहिए और जैसे ही इस तरह से छिटकने लगे आप उसे ढककर पकाइए। लेकिन बीच बीच में आप इसे ज़रूर चलाते रहिए और इसे तब तक चलाते रहेंगे हम जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए। देखिए इसका पानी सूख गया है, मसाला भी भुन चुका है, मसाले की जो कच्चे स्मेल है वो अब नहीं आ रही है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे फ्राइड किए हुए आलू और फूलगोभी। सर्दियों की जो फूलगोभी होती है उसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले तो हमने इसे पानी में उबाला है, उसके बाद हम इसे फ्राई किए हैं, इसलिए ये लगभग
पक चुका है, अब इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने के लिए। इसे हम तब तक चलाएंगे जब तक कि गोभी और आलू पे सारे मसाले अच्छे से कोट ना हो जाए। इसे हल्के हाथों से ही चलाते रहिए और फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे आलू गोभी के ऊपर मसाले अच्छे से लग चुका है, इसके कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पे पानी को मैंने पहले से गर्म करके रख लिया है ताकि कुकिंग प्रोसेस धीरे ना हो। आप चाहे तो ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। अब हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेते हैं ताकि जल्दी से इसमें उबाल आ जाए, और जैसे ही इस सब्जी में उबाल आ जाएगा हम इसे ढककर फिर से हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ ही फिर से हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे। बस अब थोड़ी ही देर में आलू गोभी की सब्जी तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम ढक्कन को निकाल के चेक कर लेते हैं। पानी भी रिड्यूस हो चुका है। अगर आप ग्रेवी और कम चाहते हैं तो इसे और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। देखिए गोभी के फूल बिल्कुल भी टूटे नहीं है और आलू भी यहाँ पे पक गया है। हमें इस सब्जी को बहुत ज़्यादा मशी नहीं बनाना है। अब हम इसमें फाइनल टच देते हैं फ्रेश कटी हुई धनिया पत्ता से। इसे भी हम पूरे सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारा सब्जी परोसने के लिए। इसे आप रोटी, पराठे, नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमेशा की तरह अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।